हेलो दोस्तों, दो दोस्त के दोस्ती की कहानी। एक बार की बात है, दो बहुत ही अच्छे दोस्त एक गहरे रेगिस्तान से गुजर रहे थे। चलते चलते कुछ दूरी पर दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा, जैसे कि हर दोस्त के बीच में होता है। जब दो लोग आपस में एक ही बात पर सहमत नहीं होते हैं, फिर झगड़ा बढ़ जाती है। तो गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर भी वह दोस्त उसे कुछ नहीं बोला, बस उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से बिना बात किए आगे चलते रहे, लेकिन थप्पड़ खाने वाले दोस्त ने बात करना शुरू किया और बोला कि कोई बात नहीं, दोस्ती में हो जाता है। यह सुनकर थप्पड़ मारने वाले दोस्त ने उससे माफी मांगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाने पर दोनों बात करते करते एक तालाब के पास पहुँचा। गर्मी बहुत थी, इसलिए दोनों ने सोचा कि इस तालाब में नहा लेते हैं। तो नहाते नहाते थप्पड़ खाने वाले दोस्त का पैर तालाब में कहीं फंस गया, जिससे वो डूबने लगा। थप्पड़ मारने वाले दोस्त ने उसे किसी तरह बचा लिया और पानी से निकलने के थोड़ी देर बाद जैसे ही वह नॉर्मल हुआ, उसने एक पत्थर पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो थप्पड़ मारने वाले दोस्त ने पूछा कि जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो तूने रेत में लिख दिया, और अब जब मैंने तुझे बचाया तो तूने पत्थर पर लिख दिया, इसका मतलब समझ नहीं पाया। तो उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, दोस्तों के बीच में बहुत सी बातें होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची है तो पुरानी एवं बेकार बातों को भुला देनी चाहिए और अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। इसलिए जब तूने मुझे थप्पड़ मारा तो वह मैंने रेत पर लिख दिया ताकि हवा के साथ वह बातें मिट जाए, और जब तूने मुझे बचाया तो वह कभी मिटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसे पत्थर पर लिख दिया। तो दोस्तों, दोस्ती में एक से गलती हो जाए तो कोशिश करें कि उसे समझाए, अगर खुद गलत है तो माफी मांग लेनी चाहिए।